22 सितंबर 1480 को गरलापड्डू नामक गांव, जो आज के आंध्र प्रदेश में है, वहां जन्म हुआ था रामकृष्ण नाम के एक बालक का, जिसे आज हम सभी लोग तेनाली रामा के नाम से जानते हैं। इनके पिता का नाम था रामैया। उनका देहांत तभी हो गया था जब वे बहुत ही छोटे थे, फिर जिसके बाद उनकी माता लक्ष्मी अम्मा उन्हें लेकर तेनाली गांव आ गई थी, जहां रामकृष्णा का बचपन बीता, और इसी गांव के ऊपर उनका बाद में नाम पड़ा तेनाली रामकृष्णा। लक्ष्मी अम्मा अपने बेटे को पढ़ाना तो चाहती थी, मगर उस समय कोई भी गुरु रामकृष्ण को शिष्य रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कारण ये था कि इस समय पर यहाँ वैष्णवों का बोलबाला था और तेनाली रामा शैव थे, जिस कारण कोई वैष्णव आचार्य इन्हें शिक्षा दीक्षा देने को तैयार नहीं था। लक्ष्मी अम्मा और रामकृष्ण ने स्वयं भी बहुत कोशिश की कि कोई आचार्य तो उन्हें अपना ले, मगर उनकी कोशिशें व्यर्थ ही रहीं और उन्हें पारंपरिक शिक्षा प्राप्त ही नहीं हुई। मगर ये कैसे, हम तो तेनाली रामा के ज्ञान की अनेकों कहानियां बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, मगर एक अशिक्षित बालक को आखिर इतना ज्ञान प्राप्त कहां से हुआ, वो जानते हैं। हर जगह से निराश हो शिक्षा के लिए भटक रहे रामकृष्णा एक दिन एक जंगल में पहुंच गए, जहां उन्हें एक साधु मिले, जिनके पैरों में गिरकर रामकृष्णा उनसे ही कहने लगे कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और शिक्षा दीक्षा दीजिए। जिस पर साधु महाराज ने कहा कि मैं तो तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, हाँ पर एक तरीका जरूर बता सकता हूँ, जिससे तुम्हारे अंदर जो ज्ञान पाने की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ये जो तुम्हें सामने दिख रहा है, ये माँ काली का मंदिर है, और जो भी इनकी सच्ची श्रद्धा और पूरी दृढ़ता से आराधना करता है, माँ उससे प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त को वरदान देती हैं। मैं तुम्हें इनकी पूजा की विधि बताता हूँ, तुम माँ की शरण में जाओ। साधु महाराज से माँ की आराधना की दीक्षा लेकर रामकृष्णा उस मंदिर में जाकर बैठ गए और माता के लिए तपस्या में जुट गए। कई दिनों तक बिना विचलित हुए वे माँ की आराधना में लगे रहे। रामकृष्ण की तपस्या से माँ अत्यंत प्रसन्न हुई और इनको अपना दर्शन दिया। रामकृष्ण ने माता को भी अपनी भोली भाली बातों से हंसा दिया, और तो और वह ये भी भूल गए कि उन्हें मांगना क्या था। उनके इसी भोलेपन से माता उन पर इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने रामकृष्ण को बहुत सी कलाओं में निपुण होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने रामकृष्ण को ज्ञानी होने के साथ यश और जीवन भर लोगों को हंसाने का भी आशीर्वाद दिया। इसी ज्ञान की बदौलत वह आगे चलकर महाराज कृष्णदेव राय के दरबार के एक महान कवि और विदूषक बनने वाले थे। खैर अब माँ की कृपा से ज्ञान तो प्राप्त हो गया, मगर राजा के समीप जाए बिना यश कैसे मिलेगा। तो अब जानते हैं कि कैसे रामकृष्णा महान शासक कृष्णदेव राय से मिलकर उनके अष्ट दिग्गजों में शामिल हुए। अब ये बात तो हमें पता ही है कि भारतीय इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक थे राजा कृष्णदेव राय, जिन्होंने भारत के दक्षिण भाग को एकीकृत करके उसे बेहद मजबूत और समृद्ध बना दिया था। इसके अलावा उनके राज में ज्ञानियों का बहुत सम्मान और उनकी कद्र होती थी। महाराज कृष्णदेव राय ने 7 अत्यंत ज्ञानी महाकवियों को अपने मुख्य सलाहकारों के रूप में रखा था, जो उनको राज्य के हर महत्वपूर्ण मसले में सलाह देते थे और उन्हीं से सलाह मशवरा लेके महाराज अपने निर्णय लेते थे। अब लौट के आते हैं पंडित रामकृष्णा पे। माँ काली का आशीर्वाद पा चुके रामकृष्णा अपनी माता के साथ तेनाली गांव को छोड़कर विजयनगर आ पहुँचे। वह इस राज्य की समृद्धि और कला के प्रति यहाँ के लोगों के सम्मान को देखकर बहुत प्रभावित हुए। रामकृष्णा राजा की नजरों में आकर उनके करीबी व्यक्ति बनना चाहते थे, मगर ये उतना आसान कहाँ था, इसलिए कई कोशिशों के बाद भी उन्हें इस काम में सफलता नहीं मिल पा रही थी। मगर फिर एक दिन ऐसा मौका कृष्णा के सामने आई गया। विजयनगर में बाहर से एक नाट्य मंडली आनी थी, जिसको राजा के सामने प्रस्तुति देनी थी, और इसी को मौका समझकर रामकृष्णा ने अपना भेष बदलकर उस जगह घुसने को गए जहां वे नाट्य मंडली राजा कृष्णदेव राय के समक्ष अपना अभिनय करती। मगर देर से आने के कारण रामकृष्णा को वहां बाहर खड़ा दरबारी अंदर नहीं जाने दे रहा था, जिस पर फिर तेनाली रामा ने एक तरकीब लगाई और उस दरबारी से कहा कि अंदर महाराज, मुझे जो भी उपहार देंगे उसका आधा तुम रख लेना, बस मुझे अंदर जाने दो। दरबारी ने ये बात मान ली और उनको अंदर भेज दिया। लेकिन अगले दरवाजे पर एक और दरबारी खड़ा था, उसके सामने भी सेम प्रस्ताव रखकर रामकृष्णा उस जगह पर आ पहुंचे जहां पर नाटक हो रहा था। उन्होंने देखा कि महाराज और बाकी सब लोग नाटक से उब गए हैं और उनका बिल्कुल भी मनोरंजन नहीं हो रहा है। बस यही चीज देखकर वे मंच पर कूद पड़े और नाटक के बीच में उन्होंने ऐसी हरकतें की जिसे देखकर महाराज और वहां बैठे सभी लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। जिसके बाद फिर राजा कृष्णदेव राय ने स्पेशली रामकृष्ण को बुलाया इनाम देने के लिए, मगर तभी वो नाटक मंडली ने कहा कि वे उनके साथ नहीं है और बस ऐसे ही बीच में घुस आए हैं। जिस पर राजा कृष्णदेव राय गुस्सा हो गए और उन्होंने तेनाली रामा को 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई।
जिस पर तेनालीरामा ने तुरंत उन दोनों दरबानों को बुलाने का आग्रह किया। और जब वह दोनों दरबार में आए तब रामाकृष्ण ने उन्हें वो डील याद दिलाई। अब इन दरबानों को अब तक पता नहीं था कि इनाम में है क्या, जिस कारण उन्होंने भी आधे इनाम के लालच में हाँ हाँ कर दी। और बस फिर क्या था, पंडित रामकृष्ण को जो 100 करोड़ का इनाम मिला था अब वो 50-50 इन दोनों को खाने थे। ये पूरा खेल इतना मजेदार हो गया था कि दरबार के सभी लोग खूब हंसने लगे। रामकृष्ण की इस चतुराई और हंसाने की अद्भुत कला से महाराज कृष्णदेव राय भी बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने पंडित रामकृष्ण को अपने दरबार में कवि और विदूषक के रूप में जगह दी। मगर रामकृष्ण ने अपने ज्ञान का परिचय देते हुए आने वाले समय में राज्य की कई समस्याओं को सुलझाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे महाराज कृष्णदेव राय ने तेनाली रामकृष्ण को अपने दरबार का 8वां मुख्य सलाहकार बनाया, यानी इनको अष्ट दिग्गजों में शामिल कर दिया। और इस तरह वे राजा कृष्णदेव राय के मुख्य सलाहकारों में शामिल हो गए। उन्होंने जीवन भर अपनी हास्य कला से सबको हंसाया और ज्ञान से ढेरों समस्याएं सुलझाई। पंडित रामकृष्णा एक अव्वल दर्जे के विदूषक होने के साथ अत्यंत ज्ञानी कवि भी थे, जिन्होंने कई रचनाएं भी की थी। उनके समस्याओं को सुलझाने के तरीके इतने सरल और हंसाने वाले थे कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी कहानियों को आज भी सुनाया जाता है, जिसे बच्चे बूढ़े जवान सब बहुत पसंद करते हैं और उससे सीख लेते हैं। अपनी अमिट छाप छोड़कर तेनाली रामकृष्णा 1528 में मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसा कहते हैं कि उनकी मृत्यु एक सांप के काटने से हुई थी। तो ये थी तेनाली रामकृष्णा के जीवन की कहानी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मैं जल्द लौटूंगा भारत के ऐसे ही किसी महापुरुष की कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।